सर थोड़ी सी वजाहत आपके लिए कि एल्युमिनियम का एक एटम है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका 3 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल तब होगा जब क्लोराइड के 3 आयन होंगे, क्लोराइड के 3 आयन होंगे। असल सेंस ये वाली है जिसका आपको यह होना चाहिए कि क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, और ये मिलकर बन जाएगा 3 नेगेटिव चार्ज, और ये 3 एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम AL कार्बाइड के लिए C सिंबल होगा, कार्बन का सिंबल C है, AL 3 पॉजिटिव, कार्बाइड 4 नेगेटिव, क्रॉसओवर रूल के मुताबिक ये 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, और ये होगा AL 4 और C 3। और अगर आप इनके 4 का हिसाब करें, असल चीज है 4 का हिसाब करना, तो 4 3 12 4 3 12, और इधर देखें -4 3 ये भी 12, ये मनफी है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0 होगा। असल मकसद है कि ऊपर चार जो है वो 0 आना चाहिए, लिहाजा फार्मूला बना AL4C3, और इसे क्रॉस ओवर रूल के मुताबिक आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता। हमारा अब ये मरकब है मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड जहर है, एक मेटल और एक नॉन मेटल आयन है, मेटल और नॉन मेटल, इसका सिंबल है Mg, नाइट्राइड का है N, इसका पहला स्टेप होगा। उसके बाद Mg इसके ऊपर 4 लिखें, क्या है 2 पॉजिटिव, और नाइट्राइड का 3 नेगेटिव, क्रॉसओवर रूल के मुताबिक इस 3 को लेफ्ट रेडिकल के बॉटम में लिखते हैं, और ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है राइट रेडिकल के बॉटम में लिखते हैं, और ऐसा करने से ये होगा Mg3N2। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला है, इसमें अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +6, और 2 को -3 से करते हैं -6, और ओवरऑल चार्ज का रिजल्ट 0 आएगा, नेट चार्ज 0 होगा, ये इसका फॉर्मूला है Mg3N2। मुरक्कब का नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, इसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। अब हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फेट SO4, ये रेडिकल SO4, H का चार्ज क्या होगा, हाइड्रोजन का चार्ज हाइड्रोजन आयन +1, और सल्फेट का